तो स्वागत है आप सभी को माइनक्राफ्ट के और एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने हार्डकोर वर्ल्ड या फिर सर्वाइवल वर्ल्ड में वार्डन को कैसे इजीली मार सकते हो। तो यह है पहला ट्रिक। मान लो आप एंशिएंट सिटी में हो और आपके सामने वार्डन है, तो बस आपको थोड़ी दूर पीछे जाना है और आपको फटाफट से 4 ब्लॉक हाइट पर एक ब्लॉक लगाना है। और इसमें आपको वार्डन नहीं मार पाएगा, लेकिन आप इजीली वार्डन को मार पाओगे, जैसे कि हम विलेज में आयरन गोलम को मारते हैं। तो इस ट्रिक से आप इजीली वार्डन को मार सकते हो अगर आपके सामने एक वार्डन आए तो। और ध्यान रखना कि आपके आसपास की जगह ऊबड़ खाबड़ ना हो, नहीं तो आपको इसमें ज़्यादा ब्लॉक लगाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम ये 4 ब्लॉक के हाइट पर आपको टच नहीं कर पाएगा और आप इजीली इसको क्राउच होके या फिर ऐसे ही मार सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं दूसरा ट्रिक की ओर। और दूसरा ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसको हार्डकोर में खेलो या फिर नॉर्मल सर्वाइवल में, आप जरूर से गोल्डन एप्पल लेके जाना, क्योंकि ये मामूली खाना आपका ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन गोल्डन एप्पल आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे। तो आप ज़रूर से गोल्डन एप्पल ले जाना। और अगर आप सर्वाइवल में खेल रहे हो तो भाई एंशिएंट सिटी के आसपास आप बेड से रीस्पॉन पॉइंट सेट करना। और दूसरा जो ट्रिक है वो है एरो ट्रिक, कि आप एरो से भाग भाग के इससे मार सकते हैं, लेकिन हाँ आपको इसके लिए वार्डन से कुछ डिस्टेंस बना के रखना है, जैसे कि मैं बना रखा हूँ। यहाँ ओपन फील्ड है इसलिए मैं ज़्यादा भाग रहा हूँ, लेकिन एंशिएंट सिटी में आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा, तो आपको उस बात का ध्यान रखना होगा और आपको उसी के हिसाब से डिस्टेंस बना के रखना होगा। आपको वार्डन को दूर से ही मारना है एरो से, गलती से भी आप उसका पास मत जाइएगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। तो आप कोशिश कीजिए कि दूर से उसे अटैक कीजिए और कुछ ही एरो में वो मर जाएगा अगर आपके पास पावरफुल वो होगा तो। चलो बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक पर। तो थर्ड जो ट्रिक है वो है एक चैम्बर बना के मार सकते हो आप इसे इस तरह से। वार्डन एक ब्लॉक के गैप में घुस नहीं सकता, तो आप इसी तरह के एक चैम्बर बना सकते हो एंशिएंट सिटी में और आप बाहर अंदर से ही वार्डन को मार सकते हो इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि अगल बगल से वार्डन किसी तरह टपक के ना आ जाए, उस तरफ से आप चैम्बर बनाना, नहीं तो आप अंदर रहोगे और वो बाहर से किसी तरह से आ जाएगा और आपको मार देगा। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है और आप इजीली ऐसे चैम्बर बना के वार्डन को मार सकते हो। तो मैं भी सर्वाइवल में हूँ और हार्ड मोड सिलेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वार्डन को मैं मार रहा हूँ इसी तरह से, तो आप भी मार सकते हो इस तरह से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और गाइस हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है इस तरह की। आपको 4 ब्लॉक का गड्ढा खोदना है और वार्डन को एरो से हिट करके बुला के आपको इस गड्ढे में कूद जाना है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वार्डन को बुलाने के लिए आपको बस उसको एक एरो हिट करना है, तो उसको पता चल जाएगा आप किस तरफ हो और वो आपकी तरफ भाग के आएगा। और जैसे ही वो आपकी तरफ आएगा आपको इस गड्ढे में कूद जाना है 4 ब्लॉक के गड्ढा बना के, और अपने शॉर्ट या एक्स लगे इसको मारते रहना है जाम करके कुछ इस तरह से। तो ये बहुत इजीली मर जाएगा और वो आपको डैमेज भी नहीं दे पाएगा, तो कुछ इस तरह से आप उसको मार सकते हो। और हाँ, नाइट विजन जरूर लेना। और हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो काफ़ी मज़ेदार है। मान लो आपको बहुत सारे वार्डन ने घेर लिया है और आप कुछ ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़े हो, तो इसमें आप इजीली उन सभी को मार सकते हो अगर आपके पास एक लावा बकेट होगा तो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5-6 ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ जाना है और आपके पास एक लावा बकेट होगा, तो उसको आप जिस ब्लॉक पर खड़े हो उस ब्लॉक के नीचे ब्लॉक पर आपको लगा देना है इस लावा बकेट को। तो ये लावा से जल के मर जाएगा सारे वार्डन, और ये काफ़ी मज़ा भी आता है इस तरह से मारने में। और आप ध्यान रखना कि वार्डन लावा के थ्रू भाई फ्लो करके ऊपर आ सकते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। आपको उसे धक्का मार के नीचे गिराना है या फिर आप और थोड़ा ब्लॉक लगा के ऊपर जा सकते हो। तो आप इस तरह से बहुत सारे वार्डन को ईजिली मार सकते हो बिना कोई डैमेज लिए। तो गाइस बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका इस छोटे से हेल्प को बहुत ही आगे बढ़ाते हैं हम जैसे छोटे क्रिएटर को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।